बुधवार को अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 62वां महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सर्वप्रथम बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बाबा साहेब द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद मौर्य। महावीर जी, किस बैनर के तले आज आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? आज ही हमारा कार्यक्रम अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 62वीं पुण्यतिथि पर ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और संघ की तरफ से जो है सर्वप्रथम जो है बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और जो बाबा साहब ने जो विचार दिया है गरीबों को ऊपर उठने का, उन विचारों का यहाँ पर जो है गुणगान किया जा रहा है और सभी साथियों से अनुरोध किया जा रहा है कि बाबा साहब के मार्ग पर चलकर अपने समाज को शिक्षित बनाएं और अगर ये संपूर्ण समाज शिक्षित हो जाएगा तभी हमारा ये देश महान बन जाएगा। क्या मुख्य उद्देश्य रहता है? मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर जो शिक्षा के प्रति अभी जो जागरूकता की कमी है वो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा जो है ये जान जाए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा अज्ञान ही मेरा दुश्मन है, ये बाबा साहब ने कहा था। तो हम ये चाहते हैं कि भारत का बच्चा जो है वो शिक्षित हो जाए और अच्छी तरीके से अपने आप को मतलब काबिल बनाए और अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करें।